टेक ड्राइव इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख पाए हमारे वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी एक जियो सिम यूज़र हो और आप चाहते हो कि अपना कॉलर ट्यून कुछ इस तरीके का सेट करना कि आपको कोई भी अगर कॉल करे तो उनको ये बताए कि आपका फ़ोन अभी स्विच्ड ऑफ है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप इसे कैसे कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, टेक ड्राइव इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक SMS भेजना होगा एक नंबर पे जो कि है 56789, जो मैं भेज देता हूँ अभी आपके सामने। पूरा प्रोसेस मैं करने वाला हूँ, तो आपको 56789 पे एक SMS भेजना है। लिखना है आपको स्विच ऑफ, बस इतना लिख के आपको सेंड कर देना है और कुछ ही देर के अंदर आपके पास एक SMS आ जाएगा जिसमें आपको रिप्लाई करना है नंबर 2 लिख के। तो मैं यहाँ पर 2 लिख के रिप्लाई कर देता हूँ और उसके बाद फिर एक और SMS आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर आपको 1 लिख के SMS करना होगा ताकि आपका कॉल जो है वो ऑल कॉलर्स पे सेट हो जाए, ताकि सब लोग आपको कॉल करेंगे तो सब सुन पाएंगे। और उसके बाद आपके पास एक और SMS आएगा दूसरे नंबर से, तो आपको उस पर Y लिख के SMS करना होगा। तो मैं कर देता हूँ जिसे आप देख सकते हो, और उसके बाद जैसे ही आप सेंड कर दोगे उसके बाद एक और कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपका जो कॉलर ट्यून है वो सेट कर दिया गया है। कुछ इस तरीके का मैसेज आपके पास आ जाएगा और उसके बाद आपका कॉलर ट्यून जो है वो सेट हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको सुना देता हूँ। तो दोस्तों, अब आप मुझसे पूछोगे ये यार इंग्लिश में या हिंदी में क्यों नहीं है, तो अगर आपको इसे इंग्लिश या हिंदी में सुनाना है तो आप अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। So I